सोयाबीन का समर्थन मूल्य 6,000 रुपए प्रति क्विंटल किए जाने की मांग को लेकर आज कांग्रेस ने किसान न्याय यात्रा निकाली, जिसमें बड़ी संख्या में कार्यकर्ता सैकड़ों की संख्या में ट्रैक्टर लेकर शामिल हुए और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस पार्टी प्रदेश सरकार के खिलाफ मुखर होकर लगातार हमले कर रही है। हल्ला बोल आंदोलन के बाद आज फिर कांग्रेस ने सोयाबीन का समर्थन मूल्य 6,000 रुपए क्विंटल किए जाने की मांग को लेकर पूरे प्रदेश में किसान न्याय यात्रा निकाली, जिसके चलते उज्जैन में भी कांग्रेसी सड़कों पर उतरे और चिमरनगंज मंडी से विशाल ट्रैक्टर रैली निकाली गई, जो शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए कोठी पैलेस पहुंची। रैली में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता सैकड़ों ट्रैक्टर लेकर शामिल हुए और कोठी पैलेस पहुंचकर SDM LN गर्ग को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। इस दौरान कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय सचिव और प्रदेश प्रभारी संजय दत्त, पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा, विधायक महेश परमार, दिलीप जैन बोस, शहर कांग्रेस अध्यक्ष मुकेश भाटी और जिला अध्यक्ष कमल पटेल मौजूद थे। वहीं प्रशासन ने सुरक्षा की दृष्टि से व्यापक इंतजाम किए थे। आज कांग्रेस पार्टी के सभी नेतागण, जिला कांग्रेस के अध्यक्ष कमल पटेल, शहर कांग्रेस के अध्यक्ष मुकेश भाटी, देखिए आज किसान न्याय यात्रा पूरे मध्य प्रदेश में जिला मुख्यालय पर जिला कलेक्टर को घेराव करने के लिए हजारों हजार किसान के साथ कांग्रेस कार्यकर्ता पूरे प्रदेश में आज सड़कों पर निकला हुआ है। किसानों के सम्मान में कांग्रेस मैदान में हम चाहते हैं कि 6 से 7 हज़ार रुपये क्विंटल सोयाबीन का MSP करे, 3200 रुपये धान की MSP करे और 3,000 रुपये क्विंटल गेहूँ की MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस जारी करे और ये लड़ाई अब जब तक जारी रहेगी जब तक सरकार किसानों की मांग नहीं मान ली। अब ये जो किसान अपने माथे का पसीना खेत में टपकाता है उसके परिश्रम की वैल्यू, उसका मूल्यांकन तो करना पड़ेगा। मेरे देश के किसान का बेटा एक टाइम भूखा सोता है, लेकिन किसान का संकल्प है कि भारत के किसी नागरिक को भूखा नहीं सोने दूंगा, उस संकल्प के लिए समर्पण आवश्यक। हमारे नेता जीतू पटवारी जी के मार्गदर्शन में शहर कांग्रेस के अध्यक्ष मुकेश भाटी और जिला कांग्रेस के अध्यक्ष आदरणीय कमल पटेल जी और हमारे प्रभारी चंद्र सिंह जी और संजय दत्त सज्जन भाई के नेतृत्व में किसानों की आवाज़ को बुलंद करने के लिए कांग्रेस पार्टी के साथियों के साथ मिलकर, किसान भाइयों के साथ मिलकर, जो सोयाबीन के दाम में मध्य प्रदेश और देश की सरकार जो ठगी कर रही है किसान भाइयों के साथ, लगभग पिछले 3 से 4 साल से सोयाबीन 3500 से 4000 पार नहीं की गई है। हम सब मांग करते हैं इस आंदोलन के माध्यम से कि किसान भाइयों की सोयाबीन 6000 पार हो। अभी एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने घोषणा की है, लेकिन मंडी में लगातार किसान भाई अगली बुआई के लिए गेहूँ चने के लिए सोयाबीन बेचकर खाद बीज की व्यवस्था करना चाहते हैं। सोयाबीन भाई, किसान भाई का सोयाबीन 3500 बिक रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी आदरणीय मोहन यादव जी और कृषि मंत्री शिवराज सिंह जी का सीधा सीधा धोखा किसान भाइयों के साथ है। हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं और जहाँ जहाँ आदरणीय शिवराज जी और मोहन यादव जी आएंगे उनका विरोध करेंगे, उनको काले झंडे दिखाएंगे। आज मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के ऊर्जावान अध्यक्ष किसान पुत्र जीतू पटवारी जी के निर्देश पर पूरे मध्य प्रदेश में किसानों को सोयाबीन का समर्थन मूल्य 6,000 रुपये क्विंटल किया जाए, उसके लिए महाराष्ट्र बम्बई से पधारे हमारे नेता संजय दत्त जी, सज्जन वर्मा जी, लोकप्रिय विधायक महेश परमार जी, दिनेश जैन बोसा, मुरली मोरवाल जी, करण कुमारिया जी, रवि राय जी, माया भाभी, हम उन सबके नेतृत्व में आज हमने एक ज्ञापन दिया है। उज्जैन में कांग्रेस की ट्रैक्टर रैली के लिए पुलिस विभाग ने चिमनगंज मंडी से लेकर कोठी तक फोर्स तैनात की थी। इसी में धर्मेंद्र नामक होमगार्ड जवान को बीमा अस्पताल चौराहे पर ड्यूटी पर लगाया गया था। धर्मेंद्र की तबीयत खराब होने पर तत्काल वहां मौजूद जवानों ने उन्हें पुष्पा मिशन अस्पताल पहुंचाया, जहां पर उपचार के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। इसकी सूचना मिलने पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश पर SP प्रदीप शर्मा और CSP दीपिका शिंदे पुष्पा मिशन अस्पताल पहुंचे और परिजनों से मुलाकात कर मृतक सैनिक को श्रद्धांजलि दी।
दरअसल उज्जैन में किसान न्याय यात्रा के दौरान होमगार्ड जवान की मौत हो गई। मृतक का नाम धर्मेंद्र सोलंगी है। वो बीमा अस्पताल चौराहे पर तैनात था। इसी दौरान अचानक उसके सीने में दर्द हुआ। वहां मौजूद जवान उसे अस्पताल लेकर गए, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। डॉक्टर्स के मुताबिक जवान को हार्ट अटैक आया था। दरअसल शुक्रवार को कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर किसान न्याय यात्रा निकाली गई थी, जिसमें 150 से अधिक ट्रैक्टर लेकर किसान, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता समेत विधायक और अन्य पदाधिकारी सोयाबीन की MSP 6000 रुपए प्रति क्विंटल करने की मांग को लेकर रैली के रूप में निकले थे। रैली में ट्रैक्टर पर बैठे कांग्रेस विधायक दिनेश जैन बोस को चक्कर आ गए। वे ट्रैक्टर से गिर गए। उन्हें निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। कृषि मंडी से निकाली किसान न्याय यात्रा में कांग्रेस नेता सज्जन सिंह वर्मा, कांग्रेस राष्ट्रीय सचिव संजय दत्त, विधायक महेश परमा, विधायक दिनेश जैन बोस, नगर निगम नेता प्रतिपक्ष रवि राय, शहर कांग्रेस अध्यक्ष मुकेश भाटी, जिला अध्यक्ष कमल पटेल सहित कई नेता रैली में शामिल हुए थे। रैली मंडी से कोयला फाटक होते हुए चामुंडा अवतार मंदिर के सामने ब्रिज से होते हुए कोठी पर संकुल भवन पहुंची थी। यहां कांग्रेस नेताओं ने सोयाबीन की MSP 4892 रुपए को नाकाफी बताते हुए सरकार द्वारा किसानों के साथ अन्याय की बात कही। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि हर जिले में जिला कलेक्टर का घेराव कर रहे हैं। आम जनता की लड़ाई है, किसानों को वाजिब दाम नहीं मिल रहा है। किसानों की लड़ाई लड़ते रहेंगे। निश्चित रूप से हमारे साथी विधायक भाई दिनेश जैन बोस जी को हमने कहा, उनका स्वास्थ्य खराब था। उन्होंने कहा कि किसानों की लड़ाई लड़ने के लिए अगर मेरे प्राण मेरी जान भी चली जाए तो जाऊंगा, लेकिन आपने देखा कि एक बड़ी दुर्घटना होते होते बची, अचानक उनको बेहोशी और चक्कर आए और हम सब साथियों ने मिलकर उनको संभाला, नहीं तो आज एक बड़ी दुर्घटना किसानों के लिए, हमारे भाई के प्राण चले जाते। लेकिन दिनेश जैन बोस जी अस्वस्थ होने के बाद भी किसानों की लड़ाई लड़ने आए। हम सब वहाँ हॉस्पिटल जा रहे हैं और वो भगवान महाकाल की कृपा से बहुत जल्दी स्वस्थ होंगे और किसान भाइयों की लड़ाई को लड़ेंगे। मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने पाकिस्तान के रक्षा मंत्री को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एजेंट बताया है और कहा है कि वन नेशन वन इलेक्शन का दूरगामी परिणाम देखने को मिलेगा। कांग्रेस द्वारा उज्जैन में निकाली जा रही किसान न्याय यात्रा में शामिल होने के लिए प्रदेश सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री सज्जन सिंह वर्मा उज्जैन पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने मीडिया के साथ बातचीत में कहा कि भाजपा नेताओं द्वारा राहुल गांधी पर की जा रही टिप्पणी से भाजपा का चरित्र उजागर हो गया है। आपने जम्मू कश्मीर और हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने का दावा करते हुए कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन प्रधानमंत्री द्वारा थोपा गया निर्णय है, जिसके दूरगामी परिणाम देखने को मिलेंगे। वर्मा ने पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा एम आसिफ द्वारा जम्मू कश्मीर को लेकर दिए गए बयान पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एजेंट हैं। ये अपरिपक्व निर्णय में नरेंद्र मोदी के मन की थोपी हुई बात इस देश पे मैं मानता हूँ। ना सर्वदलीय बैठक बुलाई, ना कोई रोड मैप देश के सामने रखा, ना कोई कार्य योजना देश के सामने रखी। आपने उठा के एकदम से थोप दिया। अरे तुमसे ज़्यादा विद्वान नरेंद्र मोदी जी विपक्षी दल में भी नेता हैं, वो अपनी राय देते, उस राय को इसमें सम्मिलित करते वन नेशन वन इलेक्शन में, तब जाके बात बनती है। एक अपरिपक्व निर्णय थोप देना, ये देश के लिए दूरगामी परिणाम होंगे, हानिकारक। तिरुपति मंदिर के लड्डू प्रसादम की पवित्रता और शुद्धता को लेकर बढ़ रहे विवाद ने देश के अन्य मंदिरों में जाने वाले श्रद्धालुओं के मन में भी संकोच भर दिया है। ऐसे में बात उज्जैन की जाए तो यहाँ पर भी भगवान श्री महाकालेश्वर को अर्पित किए जाने वाला भोग प्रसाद आज भी उतनी ही गुणवत्ता और शुद्धता के साथ तैयार किया जाता है, जितने के लिए मंदिर समिति को कई राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिल चुके हैं। यह है श्री महाकालेश्वर मंदिर समिति की वो इकाई जहां भगवान श्री महाकालेश्वर को अर्पित किए जाने वाला भोग प्रसाद तैयार होता है। श्रद्धालुओं को प्रसाद में दिए जाने वाले लड्डू प्रसाद को यहां पूरी शुद्धता और अधिकारियों की देख रेख में तैयार किया जाता है। मंदिर प्रबंध समिति लड्डू में शुद्धता बनाए रखने के लिए बेसन की बजाय चने की दाल खरीदती है और उसे ही प्रसाद भवन में ही लगी चक्की में पीसा जाता है। यहां से जो बेसन तैयार होता है उसे ही प्रसाद के लिए उपयोग में लिया जाता है। इसके अलावा रवा, काजू, किशमिश और शक्कर बूरा की क्वालिटी को चेक करने के बाद ही मंदिर समिति उसे क्रय करती है। मंदिर समिति प्रसाद में शुद्धता बनाए रखने के लिए शासकीय डेयरी का घी सांची या जो मध्य प्रदेश शासन द्वारा अधिकृत हो उसी ब्रांड का उपयोग करती है। श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति के सहायक प्रशासक डॉक्टर पीयूष त्रिपाठी बताते हैं कि महाकाल मंदिर के प्रसाद की शुद्धता के लिए उन्हें कई राष्ट्रीय अवार्ड भी मिल चुके हैं।
शुद्धता की कसौटी पर खरा उतरने के कारण ही अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट द्वारा उन्हें प्रसाद संबंधी जानकारी के लिए आमंत्रित किया गया था, जिसके बाद उज्जैन से अयोध्या गई टीम ने गुणवत्ता के साथ लड्डू प्रसाद के निर्माण की जानकारी दी थी। जय श्री महाकाल। भगवान महाकाल को लगने वाला लड्डू भोग प्रसाद बहुत ही शुद्धता, स्वच्छता और पवित्रता के साथ तैयार किया जाता है। यहाँ कर्मचारी जब लड्डू प्रसाद बनाने के लिए आते हैं तो पहले जय श्री महाकाल का उद्घोष करते हैं, उसके बाद हाइजेनिक तरीके से हाथ वगैरह धो करके ही और बढ़िया कैप लगाते हैं, इसके बाद ही एप्रिन वगैरह पहनने के बाद ही वो अपने काम में लगते हैं। पूरी शुद्धता और स्वच्छता का ध्यान रखा जाता है। इसके लिए हमें राष्ट्रीय स्तर के अवार्ड भी प्राप्त हुए हैं, स्कॉच अवार्ड, सेब भोग प्रसाद और 5-स्टार रेटिंग का हमें अवार्ड प्राप्त हुआ, जो हमारे महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति के लिए एक उपलब्धि से कम नहीं है। दुनिया भर के लिए यह एक संदेश देने योग्य है और इसीलिए हमें संभवतः अयोध्या राम जन्मभूमि ट्रस्ट से भी आमंत्रित किया गया था लड्डू भोग की जानकारी के लिए, और हमारी टीम यहाँ से जा करके उन्हें भोग प्रसाद हमारे यहाँ कैसे तैयार किया जाता है उसकी जानकारी भी अयोध्या को दी गई है। हमारे यहाँ जो लगने वाली सामग्री है लड्डू प्रसाद में बनाने के लिए, उसमें मुख्य रूप से चना की दाल रहती है, जो हम लोग बेसन बाजार से नहीं लेते हुए दाल लेते हैं और दाल को हम अपने नियंत्रण में रख करके ही पिसवाते हैं और यही तैयारी करवा करके उसको उपयोग में लेते हैं। इसके अलावा रवा है, शक्कर बूरा है, ड्राई फ्रूट्स में हम लोग काजू मिलाते हैं, किशमिश मिलाते हैं और इलायची मिलाते हैं, और शुद्ध देसी घी सांची ब्रांड या जो मध्य प्रदेश शासन के द्वारा अधिकृत घी है उसका ही हम लोग प्रयोग करते हैं। माधवनगर हॉस्पिटल में जल्द ही 100 बेड की अतिरिक्त सुविधा मिलने जा रही है। इसके लिए जल्द ही भवन का निर्माण शुरू किया जाएगा। वर्तमान में फ्रीगंज स्थित माधवनगर हॉस्पिटल में 100 बेड की सुविधा मरीजों को मिल रही है। बढ़ती जनसंख्या और जिला अस्पताल के नए वार्ड शिफ्ट होने के साथ ही अब लगातार माधवनगर में बेड बढ़ाने की आवश्यकता महसूस की जा रही है। इसको देखते हुए माधवनगर हॉस्पिटल में पड़ी अतिरिक्त जमीन पर जल्द ही 100 बेड के नए ब्लॉक का काम शुरू होने जा रहा है। माधवनगर अस्पताल में मरीजों को 200 से अधिक बेड की सुविधा प्राप्त हो जाएगी। ऐसे फ्रीगंज क्षेत्र के निवासियों को जिला चिकित्सालय नहीं जाना पड़ेगा। साथ ही डिलीवरी और अन्य सुविधाएं भी माधवनगर क्षेत्र में शुरू हो चुकी है। इसको देखते हुए भी बेड बढ़ाए जाना आवश्यक है। इसके लिए रोग कल्याण समिति सदस्य अभय विश्वकर्मा लंबे समय से प्रयास कर रहे थे। माधवनगर हॉस्पिटल प्रभारी डॉक्टर विक्रम रघुवंशी ने बताया कि माधवनगर हॉस्पिटल में उपलब्ध जमीन पर इस ब्लॉक का निर्माण जल्द ही शुरू किया जाएगा। इसके लिए प्रस्ताव बनाकर भोपाल भेजा जा चुका है, वहां से स्वीकृति आते ही इसका काम शुरू कर दिया जाएगा। माधवनगर अस्पताल में 100 बिस्तरीय अस्पताल का और अभी होना है, उसके लिए खाली जगह ये है और ये खाली जगह पड़ी है, यहाँ पे अनुशंसा करके भोपाल भिजवाई है, इस पे आदेश आ गया है, बहुत जल्दी यहाँ पे कार्य शुरू होने की संभावना है। यहाँ वर्तमान में अभी लगभग हमारे पास 100 बेड हैं यहाँ पे और आने वाले समय में 100 बेड और हो जाएगा, तो लगभग 225 बेड की स्पेस यहाँ हो जाएगी। धर्मनगरी उज्जैन से व्यवसायिक नगरी इंदौर की पहुंच आसान बनाने को प्रदेश सरकार 950 करोड़ रुपए खर्च कर एक नया 4-लेन सड़क मार्ग बनाने जा रही है। ये मार्ग उज्जैन के चिंतामण गणेश मंदिर मार्ग से जुड़कर चंद्रावतीगंज, अजनोत, खजूरिया, हातोद, गांधीनगर के रास्ते इंदौर एयरपोर्ट तक पहुंचेगा। इसकी कुल लंबाई 65 किलोमीटर होगी। दावा है कि 4-लेन निर्माण के बाद कार बाइक से उज्जैन इंदौर की दूरी 30 मिनट में ही पूरी हो जाएगी। ये मार्ग इंदौर में सुपर कॉरिडोर से सीधे कनेक्ट होगा, यानी यात्री इंदौर एयरपोर्ट से बाईपास 4-लेन सड़क मार्ग से चलकर सीधे महाकाल मंदिर पहुंच सकेंगे। वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध होने से सड़क मार्ग पर यातायात सुगम और सुरक्षित होगा। इस मार्ग से जुड़े गांवों का विकास भी होगा और प्रस्तावित मार्ग से जुड़े गांवों में तरक्की की राह भी खुलेगी। फिलहाल मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम प्रोजेक्ट की विस्तृत कार्य योजना यानी DPR बना रही है। उम्मीद है कि अगली कैबिनेट मीटिंग में DPR प्रस्तुत हुई तो इसी वर्ष निविदा प्रक्रिया पूरी कर अगले वर्ष धरातल पर निर्माण शुरू हो जाएगा। वर्तमान में उज्जैन इंदौर पहुंच के लिए 4-लेन सड़क पहले से उपलब्ध है। यह मार्ग महाकाल चौराहे और नानाखेड़ा चौराहे से निनोरा, पंथ पिपलई, किठोदा, बड़ोदिया खान, कायस्थ खेड़ी, सांवेर, तराना, राजोदा, धर्मपुरी गांव होकर इंदौर में अरविंदो अस्पताल चौराहे पर जाकर मिलता है। एक दशक पहले इस मार्ग को सरकार ने 2-लेन से 4-लेन में तब्दील किया था। इस मार्ग से इंदौर की दूरी 54 किलोमीटर है। इसे पूरा करने में औसतन 40 से 45 मिनट का समय लगता है।
सरकार इसे अब 1600 करोड़ रुपए खर्च कर 6 लेन में भी तब्दील करवा रही है। मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। इसी बीच लगातार बारिश के चलते सब्जियों की आवक भी भारी कम हो रही है, जिसके कारण सब्जियों के दामों में जबरदस्त उछाल देखने को मिल रहा है। बढ़ते हुए दामों को लेकर आम जनता को एक बार फिर महंगाई की मार झेलना पड़ रही है। आलू का भाव 40 रुपए प्रति किलो पहुंच गया है। बारिश के कारण आलू, प्याज और लहसुन जैसी आवश्यक सब्जियों की कीमतों में भारी वृद्धि देखी जा रही है। सब्जी मंडी में आलू का भाव 40 रुपए प्रति किलो पहुंच गया है, वहीं प्याज की कीमत भी 50 से 60 रुपए प्रति किलो हो गई है। इसके साथ ही लहसुन 400 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गया है। वहीं हरी सब्जियों की बात की जाए तो इनकी कीमतों में भी करीब 10 रुपए प्रति किलो की बढ़ोतरी हुई है। मंडियों में सब्जियों की कम आवक और लगातार हो रही बारिश के कारण इनकी कीमत में वृद्धि देखी जा सकती है, जिससे लोग सब्जियों की खरीदारी करने में थोड़ा बचते हुए नजर आ रहे हैं। उज्जैन की पावन नदी क्षिप्रा रामघाट पर विगत दिनों मानसून के कारण जलस्तर में लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है। इसी बीच इंदौर से देव दर्शन करने आए एक ही परिवार के 5 सदस्य अचानक गहरे पानी में डूबने लगे। तब मां क्षिप्रा तैराक दल के सचिव संतोष सोलंकी एवं उनके साथियों ने अपनी जान की परवाह किए बगैर उन्हें डूबने से बचाया। अंकित ग्राम सेवाधाम आश्रम संस्थापक सुधीर भाई को इसकी जानकारी लगी एवं उन्हें अंकित ग्राम सेवाधाम आश्रम आमंत्रित कर बहादुर तैराक संतोष सोलंकी का मालवी पगड़ी दुपट्टा पहनाकर अभिनंदन पत्र प्रदान करते हुए 1121 रुपए की राशि उपहार स्वरूप उन्हें भेंट की। इस अवसर पर वरिष्ठ समाज सेवी सत्यनारायण अग्रवाल, पुत्र मुकेश एवं योगेश अग्रवाल उपस्थित हैं। माँ क्षिप्रा तैराकी दल के माध्यम से संतोष सोलंकी जी और उनके साथी कई श्रद्धालुओं की, धर्मालुओं की जान क्षिप्रा नदी से बचाते हैं। अभी विगत दिनों आपने ऐसे ही एक व्यक्ति की जान बचाई, मैंने पढ़ा तो मुझे इच्छा हुई कि इनका सम्मान किया जाए। आज यहाँ अंकित ग्राम सेवाधाम आश्रम में 1100 रुपये और प्रमाण पत्र के साथ सम्मान कर रहे हैं। इस समय हमारे भाई सत्यनारायण जी अग्रवाल, उनके पुत्रगण मुकेश जी और योगेश जी भी आज यहाँ हैं। मुझे खुशी है कि ये अच्छा काम कर रहे हैं और करते रहे। नागदा में कुछ दिनों पहले हुई साधुओं की पिटाई का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज एक ओर जहां बीजेपी पार्टी स्वयं को हिंदू पार्टी कहती है और प्रदेश के मुखिया मोहन यादव अपने सभी भाषणों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं, वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री मोहन यादव के गृह जिले अंतर्गत नागदा में साधुओं को पीटा जाता है। यह कहना था सैकड़ों साधु संतों का, जो एकत्रित होकर अपने ही एक साधु की सामूहिक रूप से पिटाई के मामले में आज सैकड़ों की संख्या में एकत्रित होकर एसडीएम कार्यालय नागदा पहुंचे थे, जिन्होंने मुख्यमंत्री और राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपकर यह बात कही थी। साधु संतों का यह भी कहना था कि जिस नगर में साधु संत ही सुरक्षित नहीं है, वो देश कैसे हिंदू राष्ट्र बन सकता है। जहां बीजेपी के एक बड़े नेता के छोटे भाई द्वारा एक साधु की पिटाई कर उसे निर्वस्त्र कर दिया जाता है, उस देश में कैसा हिंदू राष्ट्र। और साधु संतों ने हुंकार भरते हुए यह भी कहा कि अगर प्रशासन दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं करता और हमारी मांगे नहीं मानी जाती है तो हम इससे भी बड़ा आंदोलन करेंगे, यहां तक कि सीएम हाउस का भी घेराव करेंगे। हमारी 3 मांगे नहीं मानी तो उग्र आंदोलन किया जाएगा, जिसकी सारी जवाबदारी शासन और प्रशासन की होगी। इसलिए हम प्रशासन से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो और उनका मकान तोड़ा जाए और उनकी अवैध संपत्ति की भी जांच की जाए। अध्यादेश लाते हुए साधु संतों के लिए प्रत्यक्ष से एक प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए, जिससे हमारा संत समाज सुरक्षित रह सके। अतः संत समाज और समग्र धर्म प्रेमी जनता प्रशासन से इस ज्ञापन के माध्यम से मांग करते हैं कि दोषी व्यक्ति लक्ष्मण सिंह शेखावत व विक्की शुक्ला के विरुद्ध दर्ज प्रकरण में निष्पक्ष जांच करवाई जाए और ज्ञापन में उल्लेखित समस्त मांगों को शीघ्र अतिशीघ्र पूरा किया जाए। वो हमारे द्वारा ये भी मांग की जाए सजा का कोई प्रावधान नहीं है। 15 दिवस के अंदर
प्रशासन हमारी तीनों मांगों पर गहराई से विचार नहीं करेगा, समाज इस आंदोलन को हमने भी और आगे बढ़ाएगा। यहाँ नागदा जिले में उनके पास जो हमारे त्यागी जी का आश्रम है, तो श्री नारायण दास जी महाराज जी त्यागी जी का स्थान है, वहाँ एक महात्मा आ रहा था। जैसे पहले भी आप लोगों को मीडिया के माध्यम से पता चला होगा, एक महात्मा ने पता पूछा कि वो त्यागी जी का स्थान कहाँ है। दो व्यक्ति बैठे हुए थे, विधायक पूर्व विधायक का भाई था और एक उसका मित्र था। उन्होंने स्थान का एड्रेस बताने की अपेक्षा महात्मा को अपमान किया, अनावश्यक उससे शब्द बोलने लगे, उसके कपड़े उतारे, कपड़े उतार के उसकी लंगोटी तक खोल ली, उसके बाद बहुत मारपीट की, उसके बाद जो पैसा था जो झोली थी वो छिना ली और उसको मारने जान से मारने की धमकी देने लगे। आधा घंटा तक उसको पीटा गया है संत के हिसाब जैसा कह रहा है, और उसको जब यदि जान बचा के नहीं भागता तो उसकी तो मृत्यु भी कर देते लोग। इस तरह का अपमानजनक संतों के साथ जो व्यवहार किया गया है उसके विरोध में पूरा साधु समाज और पूरा भक्त समाज यहाँ पर इकट्ठा होकर के और यहाँ ऑफिस में आकर के अपना ज्ञापन दे रहा है। और हमारी यह मांग है कि उचित से उचित और कड़ी से कड़ी सजा उनको दी जाए अपराधियों को, जैसा सुनने में आया है कि उनको छोटी मोटी धारा लगा करके और तुरंत उनको रिहा कर दिया गया है। साधु समाज की यही इज्जत है क्या इस भारत समाज में? पूरे भारतवर्ष में साधु समाज का बड़ा नाम लिया जाता है, सनातन का नाम लिया जा रहा है कि सनातन की बड़ी उन्नति हो रही है, देश भारत वो हिंदू राष्ट्र हो रहा है। हम हिंदू राष्ट्र की बात नहीं करते हैं, मगर संतों की सुरक्षा होना चाहिए। सनातन के जो संत अपना जीवन अपना पूरा परिवार छोड़कर साधु समाज में आए उसके साथ ऐसा होना चाहिए? और छोटा सा भी कोई एक घटना करता है उसके यहाँ बुलडोजर चल जाता है, उसे बड़ी से बड़ी सजा दी जाती है। और महात्मा का इतना बड़ा अपमान, उसको नंगा करके मारा गया और प्रशासन ने उसको छोड़ दिया, और कोई इतना साधु समाज पसीने में तर बतर हो करके धरना दे रहा है। चार पाँच एक 15 दिन से हम लोग कई प्रकार से संत आकर के स्थान में जाकर अपना अपना वक्तव्य दे रहे हैं। जय जय श्री राम। चंबल नदी के किनारे श्री अयोध्या धाम तीर्थ स्थान विराजमान है। हमारे गुरु भाई श्री नारायण दास जी महाराज वहाँ के महंत हैं। हम देख रहे हैं कि वहाँ 25-30 वर्ष से कम अनावृत संत सेवा चालू है। ऐसे संतों का आवागमन वहाँ बने रहता है। कोई संत यदि पहली बार आता है और किसी नागरिक से यदि वो वहाँ का स्थान पता पूछता है तो उससे इस देश की जनता से हम आग्रह करते हैं कि उसको पता बताने की बजाय उसके साथ ऐसा व्यवहार किया गया है, ऐसा तो हम इस देश में मानते नहीं थे। हम तो ये समझते हैं यहाँ का बच्चा बच्चा, यहाँ का वृद्ध, यहाँ का प्रशासन, यहाँ के सभी समुदाय संत समाज से रूबरू जो है, जो विद्यमान हैं उनसे सब जो है मिले जुले रहते हैं। कोई वैसा ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको संत समाज की जानकारी न हो। इस तरह का संत का अपमान किया गया है, उस व्यक्ति को जो लाइन दंड करो खल तोरा हो भ्रष्ट सूत्र मारग मोरा, उसको दंडित किया जाए। शासन के द्वारा यही आग्रह है। आज संत समाज के द्वारा जो घटना दो साथ संतों के साथ मारपीट को लेकर हुई थी उसके संबंध में ज्ञापन दिया है। और ज्ञापन में जो मुख्य मांग है अपराधियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई को लेकर, और दूसरी जो मांग है वो इनके जो अपराधियों के पास जो संपत्ति है उस संपत्ति की जाँच के संबंध में इसमें जो भी वैज्ञानिक कार्रवाई हुई वैज्ञानिक कार्रवाई को संबंध किया जाए।